टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोगों का स्वागत है। आप जैसा कि मैं गणित तृतीय पढ़ाने आया हूँ डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में, आप गणित फर्स्ट और गणित सेकंड पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर में, और मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हुए होंगे। आज हम देखते हैं कि गणित तृतीय में क्या सिलेबस है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम सिलेबस डिफाइन करेंगे, सिलेबस बताएंगे आपको, उसके बाद जो है हम आगे क्वेश्चंस बताएंगे और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करके क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए सबसे पहला सिलेबस गणित तृतीय में अनुप्रयुक्त गणित तृतीय, जो कि आपको सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है। इसमें पहला यूनिट आपका है आव्यूह, आव्यूह या मैट्रिसेस। दूसरा यूनिट है आपका अवकल गणित, अवकल गणित। तो अवकल गणित यानी डिफरेंशियल कैलकुलस, तृतीय आपका है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहां पर चौथा है समाकलन, द्वितीय। आप समाकलन फर्स्ट पढ़ चुके होंगे, समाकलन फर्स्ट जो है सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, इसलिए इसे समाकलन सेकंड कहा जाता है। थोड़ा सा हायर इसमें बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन का भी आता है, और कुछ समाकलन के जो है क्वेश्चन आएंगे जो थोड़ा सा हायर स्टडीज के होंगे। तो यह इंटीग्रेशन सेकंड है, इसके बाद पांचवा है प्रायिकता, प्रायिकता जो कि प्रोबेबिलिटी कहलाता है, प्रोबेबिलिटी। अब जो है हम यहां पर देखते हैं कि यह पांच यूनिट हमें पढ़ना है, और हम स्टार्ट करेंगे आव्यूह से, यानी कि मैट्रिक्स से, हमें मैट्रिक्स से स्टार्ट करना है। तो अब देखिए मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स ये क्या होता है। सबसे पहली बात तो मैट्रिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी कि इसे मैथमेटिक्स में लाया गया। एक्चुअली यह एक तरह का फलन को या संख्याओं को निरूपित करने का एक तरीका है। इसका निरूपण कैसे करते हैं इसे हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए किसी आव्यूह को हमें लिखना है तो कैपिटल ए से हम लिख सकते हैं, और यह कैपिटल ए से आव्यूह को किस रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे। सबसे पहली बात इसे ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बिग ब्रैकेट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें संख्याओं को हम लिखेंगे जो है क्रमित रूप में होंगे। किस रूप में होंगे, क्रमित रूप में। जैसे अगर मान लीजिए 3x3 का हमें लिखना है तो ये किस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे ए 1 है, ए 1 2, ए 1 3। यह ए 1 जो है इनके अवयव कहलाते हैं, और यह जो पहला हम लिखे हैं ये रो है, यानी कि इसे पंक्ति कहते हैं, पहली पंक्ति। अब इसका दूसरा क्रम जो है ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, यह दूसरी पंक्ति हो गई। और इन पंक्तियों में जो ये परपेंडिकुलर, या हम कह सकते हैं कि लंबवत जो चल रहे हैं, वह स्तंभ कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए 3 1, ए 3 2 और ए 3 3, यह आपका 3x3 का मैट्रिसेस हो गया। यहाँ पर देखिए यह प्रत्येक अवयव है,
या वह संख्या कह सकते हैं जिसे हम क्रमित रूप में इसमें रखे हैं। ये ब्रैकेट जो है ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिससे हम एक मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इससे पहले आप डिटर्मिनेंट भी पढ़े होंगे और सेम इसी तरह का होगा, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन ब्रैकेट से नहीं होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन केवल दो लाइन से होता है। ध्यान दीजिए, कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये ब्रैकेट में है ये दो लाइन में। कभी अगर किसी बुक में लाइन से ही रिप्रेजेंट किया हो तो मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह को डबल लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ बुक में ये भी मिलेगा आपको कि मैट्रिसेस को जो है डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है। अब देखें आप कि वास्तव में मैट्रिसेस क्या 3x3 के ही लिखाते हैं? नहीं, मैट्रिसेस कई तरह के होते हैं, आव्यूह कई तरह के होते हैं। जैसे आप इसको मीन ए आई जे के रूप में लिख सकते हैं, जो कि आई क्या करता है यानी कि कॉलम रो को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करेगा? रो को रिप्रेजेंट करेगा। रो को रिप्रेजेंट करने का मतलब यह पंक्ति को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पंक्ति को। और जे जो है वह रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा यानी कि स्तंभ, स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर ए आई जे में हमें कोई कहे 4x4 का, ठीक है, हमें बनाना है, मान लीजिए बी है 4x4 का मैट्रिसेस या अभी बनाना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम आई के जगह 1x1 करते जाएंगे तो पहली पंक्ति तैयार होती जाएगी। जैसे ए वन पहला पंक्ति का रिप्रेजेंटेशन है, और फिर 1 जो है जे के जगह कर देंगे तो पहला स्तंभ हो जाएगा, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ का यह अवयव है। इसी तरह से अगर हम ए 1x2 कर देते हैं तो ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है, ठीक है। अगर ये 1x3 कर देंगे तो हम पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह से ए 1x4 करने पर हम पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव प्राप्त करते हैं। अवयव यहाँ इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। तो ये पंक्ति हमारी तैयार हो गई। उसी तरह से अब दूसरी पंक्ति पर जब चलेंगे तो हमारा ए 2x1 हो जाएगा, ठीक है, और उसी तरह से ए 2x2 हो जाएगा और ए 2x3। आप देख रहे हो कि 2 परिवर्तित नहीं हो रहा है पंक्ति में, पंक्ति वही है, स्तंभ जो है 1, 2, 3 इस तरह से परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से आप जब नीचे आएंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्तंभ सेम रह रहा है, पहला ही स्तंभ है, लेकिन पंक्तियाँ बदलती जा रही हैं 1, 2, यानी कि कहने का मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रो या पंक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये चीज़ें कॉलम जो रिप्रेजेंट करेगा वह क्या रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। रो और कॉलम इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे। अगर कोई पूछता है कि पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ में कौन सा अवयव होगा, तो पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ में यह अवयव यहाँ पर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं कि हमें बताना पड़े कि अवयव कहाँ है और कौन सा एलिमेंट वहाँ पर होगा, तो सपोज कीजिए सी अगर कोई मैट्रिसेस है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट लिखा हुआ है 1, 0, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2 और 3, 7, 3, 4। अगर ये कहा जाए कि हमें दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव पता करना है, तो दूसरी पंक्ति आप देखो, दूसरी पंक्ति ये होगी और तीसरा स्तंभ ये होगा, यानी कि यह जो एलिमेंट होगा वह ए 2x3 के जगह पर आएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हम इस क्रमित रूप से जो है संख्याओं को निरूपित करते हैं और जिसे हम मैट्रिक्स या आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं संक्रियाओं के बारे में, यानी कि इसमें सबसे पहले हम ये बाद में बताएंगे कि कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं। पहले ये बता देते हैं कि ऑपरेशन क्या होता है आव्यूह का, या संक्रियाएं क्या होती हैं, और उस पर कुछ क्वेश्चंस हम लगाते हैं। उसके बाद बताते हैं कि कितने प्रकार के आव्यूह हैं, क्योंकि इसमें आव्यूहों के प्रकार में थोड़ा सा आगे चलकर आपको ट्रांसपोज और हर्मिटियन कई तरह के जो है आव्यूह को पढ़ना होगा, तो उसको उस ऑपरेशन के एक्सप्लेनेशन के बाद आप पढ़ें तो और अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए आव्यूहों के संक्रियाएं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन मैट्रिसेस। देखिए यहां पर पहली संक्रिया योग की है, यानी कि जोड़ की, योग या एडिशन। हम योग करेंगे, अगर कोई भी दो मैट्रिसेस है या दो आव्यूह है, जिसे हम 3x3 का आव्यूह ले लीजिए, जब भी यह कोई भी आव्यूह जोड़ेंगे, दो आव्यूह को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो उनका जो क्रम है वह समान होना चाहिए, यानी कि 3x3 का आव्यूह होना चाहिए या 2x3 का आव्यूह होना चाहिए या 4x3 का, दोनों का आव्यूह की जो क्रम है वो समान होना चाहिए। तो आप देखें कि इसमें मान लीजिए 2, 3, 1, 0, 1, 3, 4, 5, 1 ये A ले लेते हैं, और B में हम -1, 2, 1, 3, 2, 1, 0, 0, 1 इस तरह का अगर दो आव्यूह है तो हम इसको जोड़ सकते हैं और a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस, तो प्लस 1 होगा लेकिन माइनस ऑलरेडी रखा हुआ है तो माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 3 प्लस 2 ये हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1, यानी कि इनके संगत अवयवों को देखिए 2 प्लस माइनस 1 कर दिया, यानी कि उनके संगत अवयवों को हमें जोड़ना है। 3 प्लस 2 यानी कि इनके संगत अवयव 3 प्लस 2 है, फिर 1 प्लस 1 इनका संगत अवयव है। संगत अवयव कहने का मतलब अगर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ही जुड़ेगा, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से ही जुड़ेगा, तो इसलिए इनका क्रम समान होना चाहिए। फिर 0 प्लस 3, 2 प्लस 1 प्लस 2 एंड 3 प्लस 1, और यहाँ पर 5 प्लस 0 और 1 प्लस 1, यह इस तरह से योग होगा। अब आप ध्यान दें कि यहाँ पर 2 प्लस माइनस 1 है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, जो रिजल्ट आएगा वो माइनस होगा, तो 2 माइनस 1 आप लिख सकते हो 1, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 0 5 और 1 प्लस 1 2, यह जो है आपका मैट्रिसेस या आव्यूह का योग हो गया। तो इसमें यह क्रम बराबर होना जरूरी है, 3x3 का है तो 3x3 का ही होना चाहिए। अब देखिए यह आसान है, इसी तरह से इनका घटाना होता है, यानी कि आव्यूहों का अंतर। ठीक
ठीक है, अवयव का अंतर। अंतर यानी सब्ट्रैक्शन। तो अब जरा ध्यान दें इस पर कि सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। वही सेम प्रक्रिया सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होगा। अब आप यहाँ पर देखें कि अगर कोई एक हम अवयव ले रहे हैं, मैट्रिसेस ले रहे हैं जो कि 2/3 का है। 2/3 लिखने का मतलब क्या है? 2/3 अगर हम लिख रहे हैं तो 2/3 लिखने का मतलब इसमें 2 पंक्तियाँ और 3 कॉलम होंगे। ठीक है, तो चलिए 2 पंक्तियाँ 3 कॉलम का कोई भी ले लेते हैं, 2, 4, 0, 3, 5, 6। यह हमारा जो है 2 × 3 का एक अवयव हो गया। अब दूसरा अवयव हम ले लेते हैं B, जो कि क्या होगा, 1, 3, 1, 2, 7, 6। सपोज कीजिए ये जो है हमने ले लिया एक दूसरा अवयव, जो कि ए भी इसका क्रम भी 2 × 3 का है। ठीक है, इसमें 2 × 3 लिखने का मतलब क्या है? 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं। तो ये दोनों बराबर हैं, अतः इसमें जोड़ और घटाना यानी कि अंतर भी लिया जा सकता है, योग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ए माइनस बी यानी कि अंतर करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। 2 − 1, 4 − 3, 0 − 1, 3 − 2, 5 − 7 और 6 − 6। ये आप देखिए, और जो रिजल्टेंट यानी कि जो रिजल्ट अभी होगा या मैट्रिसेज होगा उसका भी क्रम वही होगा 2 × 3 का। तो हम इसको घटाते हैं, जो अवयव संगत अवयव घटे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है 2 − 1, 1 हो जाएगा, 4 − 3 यहाँ 1 होगा और −1 होगा, यहाँ पर 1 − 2, 0। यह रिजल्टेंट अब मैट्रिसेज हो जाएगा यानी कि परिणामी अवयव यहाँ पर आ जाएगा। अब ये तो हो गया अवयवों का अंतर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है अवयवों का गुणा। ठीक है, गुणन ये किस तरह से करते हैं, क्योंकि इनका एक अलग प्रक्रिया है। ये आप सबसे पहली बात कि इनके गुणा को कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे इसमें, इसको आप देखें और इनके लिए क्या नियम होता है, क्योंकि इसको ध्यान में रखें। और इसमें बता दे रहे हैं कि गुणा अगर सारणिक, जैसा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा डिटर्मिनेंट या सारणिक फर्स्ट सेमेस्टर में, वह अलग तरह से होता है, और यहाँ पर जो गुणा होगा वो अलग तरह से होता है। हालांकि उसमें गुणन का विधि नहीं है, लेकिन यहाँ अवयव के गुणन का विधि है। तो हम देखते हैं, अगर मान लीजिए आप एक अवयव ले लेते हैं ए, जिसमें हम कुछ संख्या यानी कि कुछ क्रम का अवयव ले लेते हैं, जैसे 2 × 3 का अवयव ले लेते हैं, यहाँ पर 2, 4, 5, 3, 7, 5 ये है। तो क्या हम अगर 2 × 3 का अवयव अगर बी भी ले लें दूसरा, 2, 4, 6, −1, 0, 3 अगर दूसरा अवयव हमने ले लिया, ये भी 2/3 का है, तो क्या हम दोनों का गुणा कर सकते हैं? नहीं, ये दोनों एक दूसरे से गुणा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? क्योंकि गुणन विधि में सबसे पहले a इंटू बी का जो गुणा होता है, तो ये गुणन विधि में ये ध्यान देते हैं कि a का जो स्तंभों की संख्या है, a के जो स्तंभों की संख्या मान लीजिए m इंटू यन है, या n इंटू यम लिखिए तो n इंटू यम है,
यहाँ पर जो बी के स्तंभों की संख्या या पंक्ति की संख्या होगी उस पर निर्भर करेगा कि ये गुणा होगा कि नहीं। तो यहाँ पर पहले आवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे आवयव के जो है पंक्ति की संख्या के बराबर होना अनिवार्य है। जरा ध्यान दीजिए, पहले आवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे आवयव के पंक्ति की संख्या के बराबर होना आवश्यक है, तभी गुणा संभव है। नहीं तो दो मैट्रिसेस या दो आवयवों में गुणा संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल इफ द फर्स्ट मैट्रिक्स हैविंग द कॉलम्स एज द सेम एज द सेकेंड मैट्रिक्स रो, मीन्स रो सेकेंड मैट्रिक्स का रो और फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम से समान नहीं है तो उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है, अब इसका कारण भी देख लीजिए। क्योंकि जब हम गुणा करते हैं तो मैट्रिसेस के गुणन में यह रो का यानी कि फर्स्ट रो का जो मल्टीप्लाई होता है वो फर्स्ट कॉलम में होता है। ध्यान दीजिएगा ऐसा क्यों होता है। लोग कहते हैं बस इसको देखिए आप और इक्वल है तो ये कर दीजिए, लेकिन कारण क्या है उसके पीछे, क्योंकि इसका जब गुणा होता है तो पहले मैट्रिक्स का रो पहला रो पहले दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और यह मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पहला संख्या पहले संख्या से मल्टीप्लाई होगा प्लस दूसरा संख्या दूसरे संख्या से मल्टीप्लाई होगा। और जब तीसरा के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर तीसरी की कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। यदि आपका जो स्तंभ होता ये स्तंभों की संख्या इनके पंक्ति की संख्या के बराबर होता तो क्या होता, ये पॉसिबल होता और तब ये दो आवयवों का गुणन आसानी से हो जाता। अब एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम गुणा करते हैं, चलिए गुणा करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने पहला बनाया था 1 3 0 2 4 6 -1 2 3, ये 3/3 का है। अब जो है हम दूसरा बी ले लेते हैं जो कि 3/2 का हो, ऐसे ऐसा बात नहीं है 3/3 से भी हो जाएगा क्योंकि इसका स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, लेकिन हम एक अलग तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि 3/2 का हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 और 2 6 4 -2, ये देखिए 3/2 का है, इसमें क्या है तीन पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं। तो क्या यह मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, देखें आप मैंने क्या कहा था कि पहले आवयव का जो स्तंभ होगा या कॉलम होगा वो दूसरे आवयव के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, है ना। अब इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है, ठीक है। तो अब चलिए हम मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 1 × 1 हमने क्या बताया था, पहले पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन जो है वह पहले स्तंभ से होगा, ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए करते हैं 1 × 1 यहाँ लिख लेते हैं, प्लस इनके बीच प्लस होगा, फिर 3 × 2 प्लस 0 × 4 ये हो गया। फिर दूसरा आप पंक्ति लें, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो दूसरे के उस पर रखेंगे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा हम इसे इरेज कर देते हैं, ये समझ गए होंगे आप। यहाँ पर 1 × 0 प्लस
थ्री इंटू सिक्स प्लस जीरो इंटू माइनस टू। देखिए पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई किया तो पहले पंक्ति और स्तंभ के जगह लिखा ए वन वन के जगह लिखा, ठीक है। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ मल्टीप्लाई किया तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के स्थान पर लिखा। उसी तरह से अब क्या होगा, दूसरे पंक्ति से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरे पंक्ति अब पहला वाला हट गया, ठीक है, और दूसरा पंक्ति और पहला और दूसरा स्तंभ। यहाँ पर ध्यान देते हैं कि पंक्ति वाइज यानी कि रो वाइज हम चलते हैं और उसके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाते हैं। तो चलिए टू इंटू वन प्लस फोर इंटू टू प्लस सिक्स इंटू फोर, और फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ टू इंटू जीरो प्लस फोर इंटू सिक्स प्लस सिक्स इंटू माइनस टू। अब देखें आप यही प्रक्रिया तीसरी पंक्ति का भी होगा और वह तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, माइनस वन इंटू वन प्लस टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू फोर। यहाँ पर अब जो है माइनस वन इंटू जीरो प्लस टू इंटू सिक्स एंड प्लस थ्री इंटू माइनस टू, यह आपका तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ हो गया। अब देखिए यह क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान दें, वन प्लस सिक्स वन प्लस सिक्स प्लस जीरो। आप पहले को मल्टीप्लाई किए, वन इंटू वन वन, थ्री इंटू टू सिक्स और जीरो इंटू फोर जीरो, फिर जीरो प्लस एटीन और माइनस जीरो, तो यह जीरो ही होगा और जीरो नेवर हैव अ प्लस और माइनस। टू इंटू वन टू, फोर इंटू टू एट प्लस सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर, टू इंटू जीरो जीरो प्लस फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर और माइनस ट्वेल्व। अब देखें आप यहाँ माइनस वन प्लस फोर प्लस ट्वेल्व और यहाँ पर जीरो प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स, यह आएगा। इसके बाद इसे आप क्या करें, सम कर लें, जोड़ लें, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, सेवन एटीन टेन प्लस ट्वेंटी फोर थर्टी फोर और ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व ट्वेल्व एंड माइनस वन प्लस फोर थ्री हो जाएगा, थ्री प्लस ट्वेल्व फिफ्टीन और ट्वेल्व माइनस सिक्स सिक्स। मीन आप तरीका देखें, ये ऐड मल्टीप्लाई तो आप आसानी से कर लेंगे, मेन तरीका क्या है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए पहले जो है आव्यूह का या मैट्रिसेस का जो स्तंभ है वह दूसरे आव्यूह या मैट्रिसेस के रो यानी कि पंक्ति के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आएगा, यही जो इक्वल हैं वो साइलेंट हो जाएंगे यानी कि वही ख़त्म हो जाएंगे। रिजल्ट जो क्रम बनेगा वह थ्री इंटू टू का बनेगा, ध्यान रखिए पहले के जो पंक्ति होगी और दूसरे का जो स्तंभ होगा वही इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, किसी दो आव्यूह को गुणा करते समय आप देखेंगे कि क्या पहले आव्यूह का या पहले मैट्रिसेस का जो उसका पंक्ति है या स्तंभ है, तो
तो स्तंभ, पहले का स्तंभ दूसरे मैट्रिसेस के पंक्ति के बराबर है या नहीं है। अगर है तो गुणन संभव है, नहीं है तो गुणा संभव नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, जो आधारित कुछ क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन जो एक्सरसाइज का है, अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं और एक्सरसाइज से क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं हम, जैसे कि आपको क्वेश्चन का भी अनुभव हो जाएगा। यदि क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर वन, यदि ए वन टू थ्री और दूसरा पंक्ति है इसका जीरो वन फोर तथा बी जो कि है टू थ्री जीरो और माइनस वन टू थ्री, हो तो ए प्लस बी का मान बताएं। अगर ऐसा है तो आप जानते हैं ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, ए मैट्रिसेस प्लस बी मैट्रिसेस। तो यहाँ पर दिया हुआ है वन टू थ्री जीरो वन फोर प्लस टू थ्री जीरो माइनस वन टू थ्री। अब यहाँ पर अगर इनको हम ऐड करते हैं तो संगत अवयव यानी कि जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको हम ऐड करते चले जाएंगे, वन प्लस टू, टू प्लस थ्री, थ्री प्लस जीरो, जीरो प्लस माइनस वन, आप इस तरह से लिखेंगे, फिर वन प्लस टू और फोर प्लस थ्री, और यहाँ पर थ्री फाइव थ्री माइनस वन थ्री और सेवन, यह आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ सिंपल, लेकिन कभी कभी इसमें मल्टीप्लाई करके दे देता है। तो एक बात ध्यान रखें, अगर किसी भी मैट्रिसेस में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसमें वह कांस्टेंट हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जरा देखते हैं कि कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन पर और उस तरह के क्वेश्चन कौन से हैं। एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू हम देखते हैं। इसमें यदि ये दिया हुआ है वन टू थ्री, वन टू थ्री और दूसरी पंक्ति इसकी दी हुई है फोर फाइव और सिक्स तथा बी दिया हुआ है टू थ्री सेवन और वन टू थ्री। तो आपको बताना है कि 3a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 3a प्लस बी, 3a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो इसमें 3a से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस उस b को, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका जरा ध्यान देते हैं। सॉल्यूशन इसे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, तो 3a प्लस बी, थ्री इंटू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस बी जो है टू थ्री सेवन वन टू थ्री,
ये होगा। अब जरा ध्यान दें हम कि जब भी हम मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से, तो वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। और ध्यान दीजिएगा, जब डिटर्मिनेंट की बात आती है, यहाँ ध्यान रखें, अगर डिटर्मिनेंट होता है तो किसी एक कॉलम या किसी एक रो में मल्टीप्लाई होता है, या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे तो वहाँ का देखकर यहाँ पर गड़बड़ी न करेंगे, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक है और ये आव्यूह है। तो आव्यूह में क्या होता है कि थ्री से हम सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू वन, थ्री इंटू टू सिक्स, थ्री इंटू थ्री नाइन, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एट्टीन। और फिर हम दूसरे आव्यूह को भी लेंगे, टू थ्री सेवन, वन टू थ्री, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ऐड करते जाएंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, हमेशा हमने ध्यान दिया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि संगत अवयव। संगत क्यों कहते हैं, जैसे ए वन वन ये बनेगा, ए वन वन ये भी होगा, ए वन टू होगा, ए वन टू, ए वन टू ए वन टू से ही ऐड होगा। ए वन वन यानी कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव दूसरे में पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से ही ऐड होना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, तो ये क्या होगा, थ्री प्लस टू सिक्स, प्लस थ्री नाइन, प्लस सेवन ट्वेल्व, प्लस वन फिफ्टीन, प्लस टू एटीन, प्लस थ्री। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा फाइव नाइन सिक्सटीन, आप ऐड कर लेंगे, देखें थ्री प्लस टू फाइव, सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन, थर्टीन सेवनटीन और ट्वेंटी वन, इस तरह से यह सॉल्व होगा। ये ध्यान रखें आप कि जो थ्री ए है, इसके लिखने का मतलब कि ए मैट्रिसेस में थ्री से कांस्टेंट, थ्री कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो आते हैं उसे ऐड कर लेते हैं। इस तरह के कई क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज में, आप इसे करें। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात, धन्यवाद।